अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यार ये हमारे पैरेट हैं और मैं लाया उनके लिए थोड़ा सा मिल्क, जो कि इन्हें पिलाएंगे भी। आओ पी लो पी लो पी लो पी लो। ए ए ए तो यार मैं मजाक कर रहा था क्योंकि ये मिल्क हम लाए हैं अपने न्यू पैट के लिए, जो कि इसमें आओ आ जाओ। ये रहा, आ जा आ जा आ जा आ जा। मैं इसे निकाल लेता हूँ बाहर, फिर आपको दिखाता हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ यार, क्या हो गया? एक कपड़ा क्यों आ रहा है साथ में? अच्छा, इसके पैर चिपक जाते हैं कपड़ों में। ओए ओए, लग जाएगी लग जाएगी लग जाएगी लग जाएगी। निकलो यार, ये हट गए हट गए हट गए। ये फिर चिपक गया यार। अच्छा अच्छा ये लाल कपड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं तुम यहाँ आओ, हाथ में आओ आप। यार ये है एक बेबी स्क्वेरल, मतलब गिलहरी का बच्चा है ये। ये देखें, ये आ गया मेरे हाथ में। अब मैं इसका ये कपड़ा रख देता हूँ, ये देखें। तो मैं इसके लिए लाया हूँ मिल्क। ये मुझे रोड पर पड़ा हुआ मिला था, शायद करंट भी लग गया था थोड़ा इसका। ये पैर देखो आप, पैर इसका हल्का सा डैमेज है, ये शायद करंट लग गया था तो ये गिर पड़ा था और मैंने उसे उठा लिया। और अब ये काफ़ी ठीक है और ये काफ़ी चलता फिरता। अब ये मैं रख कर दिखाता हूँ, आ जाओ। ये देखें, ये यहाँ पर बैठ गया, काफ़ी अच्छे से खेलता फिरता है। और हमने अपने खरगोशों के लिए अलग घर बना लिया है। ये देखें, यहाँ रहते हैं हमारे खरगोश। ये देखें आप, यहाँ इनके खाना पीना का पानी रखा है, यहाँ खाना रखा है और यहाँ इनका एक नीचे इनका एक घर है, जिसमें ये अगर सर्दी लगे तो अंदर जा सकते हैं और अगर गर्मी लगे तो ऊपर आ सकते हैं। तो ये इनका अच्छा बना दिया है मैंने। और अब पैरट को यार मैं ये लाया था पैरट के लिए। लो ओ, लड़ो मत यार तुम लोग। लो कहाँ से यहाँ से लो। ये मैंने पैरट को दे दिया। अब थोड़ा सा हम अपने चिक्सों को भी डाल आते हैं। आ जाओ, ये पहले से ही खा रहे हैं, मैं डाल चुका हूँ लेकिन मैं दोबारा भी डाल लेता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा खाना खाते हैं, ठीक है ना? और आप बताएं कि आपको ये कैसे लगा। हाँ, एक बार मुझे पूछनी थी कि जिन भाइयों ने आज तक गिलहरी का बच्चा पाला है तो ये बताओ आप कि जैसे मैं इसे हमेशा के लिए पाले रहूँ, मैं अपने पास ही बड़ा कर लूँ, तो ये क्या ज़िंदा रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि काफ़ी जानवर सर्वाइव नहीं कर पाते इंसानों के साथ। यानी अभी बेबी है तो अभी तो ये सही है, लेकिन बात का मुझे पता नहीं। तो आप लोग लाजमी बताना कि हम इसे जब ये अच्छा हो जाए या थोड़ा बड़ा हो जाए, खाने पीने लगे अपने आप से। तो ये देखें, यहाँ एक बाग है, यहाँ यहाँ आपको पेड़ वगैरह दिख रहे हैं ना, यहाँ बाग है। मैं सोच रहा था कि अगर ये बड़ा हो जाएगा ना और अगर ये नहीं पल पाएगा, इसे अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसे बाग में छोड़ देंगे, बगीचा टाइप का है ना, तो इसके लिए सही रहेगा। ऐसे वहाँ खाना पीना भी मिलेगा और हर चीज़ मिलेगी। तो आप बताएं कि आप, वो मैं गौर से दिखाता हूँ। ये देखें, आ जा। तो यार ये काफ़ी क्यूट लग रहा है मुझे तो। और ये देखें, हमारे खरगोश बहुत दम कर रहे हैं भाई इसके अंदर, लेकिन इनके लिए काफ़ी जगह है और हमारे इसमें सिर्फ दो खरगोश रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि तीन खरगोश हमें हटाने हैं, तो दो खरगोश हमारे सही से रहेंगे। और ये दोनों लड़ रहे हैं, देखो कौन सा वाला है हमारा। ये वाली तो काटती है, ये वाला है हमारा। आओ इन्हें छोड़ो। और आप ही बताएं, आप ये लाजमी बताएं कि हम इसे जब ये थोड़ा बड़ा हो जाए, अपने आप से खाना खाने लगे, तो हम इसे छोड़ें या ना छोड़ें। और ये रास का दूध मैं इसे अपने हाथों से, मुझे दोनों हाथों से पकड़ कर पिलाना पड़ता है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाता कि ये कैसे पीता है। शायद ये पी ले अकेले, मैं इसे दो बार पिला चुका हूँ अपने हाथों से। ये डरता है दूध से जाने, क्योंकि ठंडा होता है ना दूध। ये देखें, भागने लगा। आ जाओ, आटा खा लो, आटा आटा आटा। अरे यार ये तो आटा खा रहा है, ये देखें। अब तो मैं इसे रोज़ आटे खिलाया करूँगा, आटा। और मैंने एक और चीज़ देखी थी यूट्यूब पर कि ये बिस्किट भी खाता है, मतलब बिस्किट क्या, हाँ बिस्किट को अगर आप पानी में गीला करके उसे देंगे ना तो ये खा लेगा। तो मुझे पता चल गया है कि ये अपने आप से भी थोड़ा बहुत खा लेता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है।
तो यार यही था आज का वीडियो, आप लाजमी बताएं कि हम इसे जब मतलब 15 दिन बाद लगभग इसे हम छोड़ें या ना छोड़ें बाग में, या हम इसे पाल रहे हैं। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़। देखें यार कितना क्यूट है यार ये, अल्लाह हाफिज़।